100 साल की उम्र में रोजाना 21 घंटे पढ़ते हैं रामायण, राम भक्ति की ऐसी धुन देखकर हर कोई हुआ नतमस्तक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मेरा नाम है विकेन और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन से बिलोंग करता हूँ। हमेशा भगवान राम की भक्ति में लीन रहने वाले सियाराम बाबा रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। वे 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी बिना चश्मा लगाए हर अक्षर को आसानी से पढ़ लेते हैं। राम भक्ति की ऐसी धुन देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है, और शायद यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के आश्रम में आकर उनसे मिलना अपना सौभाग्य मानते हैं। संत श्री सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश में खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर भट्टियान गांव में नर्मदा किनारे स्थित है। भक्तों ने बताया है कि संत सियाराम बाबा धर्मशाला और मंदिरों के लिए करोड़ रुपये दान कर चुके हैं, लेकिन आज भी किसी भी श्रद्धालु को अपने आश्रम में 10 रुपये से ज़्यादा का दान चढ़ाने नहीं देते हैं। यदि इससे अधिक कोई श्रद्धालु राशि देता है तो 10 रुपये काट कर वापस पैसे लौटा देते हैं। संत बाबा के तन पर कपड़े के नाम पर केवल एक लंगोट होती है। कड़ाके की ठंड हो या बरसात हो या फिर भीषण गर्मी, बाबा लंगोट के अलावा कुछ धारण नहीं करते हैं। श्रद्धालु और ग्रामीण बताते हैं कि बाबा 1955 में इस गांव में आए थे और उनके सरल और दयालु प्रवृत्ति के चलते ग्रामीणों ने उनके लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया था। तभी से वह नर्मदा किनारे अपने उसी आश्रम में रहते हैं। साधारण से कमरे में निवास करने वाले संत सियाराम बाबा के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान से भी श्रद्धालु आते हैं। रोजाना हजारों लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के आश्रम में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है, जिसके चलते आश्रम के आसपास हमेशा मेला लगा रहता है। मां नर्मदा के परिक्रमा करने वाले हर परिक्रमावासी यहां से जाते हैं। उनकी सेवा खुद सियाराम बाबा जी करते हैं। सियाराम बाबा जी के आश्रम में परिक्रमावासी लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है और सियाराम बाबा जी खुद अपने हाथों से भोजन का वितरण करते हैं। परिक्रमावासी लोगों को सदावत भी प्रदान किया जाता है, जिसमें दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्च, कपूर, अगरबत्ती और बाती दी जाती है, ताकि परिक्रमावासियों को आगे कहीं जरूरत पड़े तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। संत श्री सियाराम बाबा जी का चेहरा देखकर श्री हनुमान जी की याद आ जाती है। श्री सियाराम बाबा जी के चेहरे में तेज में श्री हनुमान जी की झलक देखने को मिलती है। संत सियाराम बाबा जी की उम्र के बारे में कोई पक्का नहीं जानता है। कोई कहता है उनकी उम्र 80 साल के करीब है, तो कोई कहता है उनकी उम्र 120 साल के करीब है। भारत जब अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा था, उस समय श्री सियाराम बाबा जी का जन्म मुंबई में हुआ था और उस जमाने में उनकी पढ़ाई 7वीं से 8वीं क्लास तक में हुई थी। उसी दौरान कोई साधु बाबा जी के दर्शन होने के बाद उनके मन में वैराग्य और श्री राम भक्ति जागी और उन्होंने उसी समय घर संसार त्याग कर के हिमालय में तप करने को चल दिए। उन्होंने कितने साल तप किया, कहाँ किया और उनके गुरु कौन है, ये सब बातें कोई नहीं जानता। उनको हिमालय में तप साधना के दिनों में किन किन महान ऋषि मुनि योगी सन्यासी लोगों ने दर्शन दिए, अनुग्रह दिया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। सब बातें बड़ी रहस्यमय और गुंड है। श्री सियाराम बाबा जी ने ये बातें किसी को नहीं कही है। आज भी उनको पूछने पर वो एक ही बात बोलते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ मजा देखता हूँ। तेली भट्टियान गाँव के बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि श्री सियाराम बाबा जी अपनी युवा अवस्था में तेली भट्टियान गाँव में 50 से 60 साल पहले आए थे। तब तेली भट्टियान गाँव काफ़ी छोटा था। श्री सियाराम बाबा जी ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं पर रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने श्री हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। रोज सुबह श्याम राम का नाम जप और श्री तुलसीदास रचित रामचरित्र मानस रामायण का नित्य पाठ करते थे। ऐसा कठिन व्रत तप उपासना उन्होंने 12 साल की। इस 12 साल के दौरान श्री सियाराम बाबा जी ने मौन व्रत भी धारण किया था। किसी से कुछ भी बात नहीं की। गाँव वालों को कुछ पता नहीं चला कि ये बाबा जी कौन हैं और कहां से आए हैं। श्री सियाराम बाबा जी ने 12 साल का मौन व्रत तोड़ा तो पहला शब्द वे बोले सियाराम। तब से गाँव वाले उनको सियाराम नाम से पुकारने लगे। कुछ 25 से 30 साल पहले एक बार गाँव में कोई छोटी वर्ग जाति के आदमी ने रामचरित्र मानस को हाथ लगाकर प्रणाम किया और श्री हनुमान जी की मूर्ति को भी हाथ लगाकर प्रणाम किया, और गांव के कुछ ऊंची वर्ग जाति के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो वक्त में छुआछूत के मसले में समाज में बड़ी दुविधा थी। उसके चलते उस वक्त में गांव में बड़ा बवाल हुआ था और काफ़ी झगड़ा हुआ था। श्री सियाराम बाबा जी तो महान संत हैं, उनके लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए तो सभी लोग एक समान है।
उनको यह बात पसंद नहीं आई। उनके समझाने पर भी गांव के कुछ उच्ची वर्ग जाति के लोग नहीं माने, तो इससे दुखी होकर श्री सियाराम बाबा जी ने रामचरितमानस रामायण की पुस्तक को वहीं पर तुलसी वृंदावन के नीचे रख दिया और उसको सीमेंट ईंटों से बंद करा दिया। तभी से वहीं पर रामचरितमानस रामायण की पुस्तक वहीं पर दफन है। आज तक श्री सियाराम बाबा जी ने वह रामचरितमानस रामायण की पुस्तक को बाहर नहीं निकाले। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके और वो भी दर्शन लाभ ले सके बाबा।